नमो अरिहंत नमो सिद्धाण नमो वायण नमो वज्रायण नमो लोय सव्वसाहूणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जिन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। अभोक्ता नहीं चल रहा था, पेज नंबर 241। यहां से देखिए, भोक्तृ नय से आत्मा को हर्ष शोक का भोक्ता कहा, उसका तात्पर्य भी द्रव्य स्वभावोन्मुख होकर ज्ञाता दृष्टा रहना है। भोक्ता नय का प्रयोजन कहीं हर्ष शोक के उपभोग में ही अटक जाना नहीं है, क्योंकि भोक्तृ नय के समय भी आत्मा में कहीं मात्र भोक्त धर्म ही नहीं है, है ना। ये चर्चा आई थी कल, है ना। इसके आगे का पेरा ले लीजिए, जिसने शरीर को धर्म का साधन माना, यहां चर्चा चल रही थी अपनी, कि जिसने शरीर को धर्म का साधन माना, क्या माना, कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, है ना, ऐसा माना, उसे शरीर पुष्ट होने पर हर्ष और शरीर में रोगादि होने पर शोक होता है, तथा वह हर्ष शोक के वेदन में ही लीन होकर आत्मा को चूक जाता है। क्यों? क्योंकि उसने शरीर में अपनापन माना है, तो बस वो एकाकार हो जाएगा उसके साथ में। शरीर से धर्म माना, इसलिए शरीर के ही अस्तित्व में अपना अस्तित्व मान लेता है। क्यों? क्योंकि जिससे धर्म माना तो उसके अस्तित्व में ही अपना अस्तित्व मान लेता है, क्योंकि जिससे धर्म माना तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको अपना माना, और उसी के लक्ष्य से मात्र हर्ष शोक के उपभोग में ही वह लीन हो जाता है। लीन हो जाता है किंतु साक्षी रूप से नहीं रहता। हर्ष शोक के वेदन के समय भी आत्मा में उसके साक्षी पने रूप अभोक्ता धर्म है, भोक्तृत्व के साथ ही अभोक्ता स्वभाव विद्यमान है, ऐसा जो जानता है उसे साधकत्व हुए बिना नहीं रहता। उसे पर्याय में भी अंशतः साक्षीपना अर्थात अभोक्तृत्व वर्तता है, यह उसकी व्यवस्था है। हर्ष शोक के वेदन के समय भी मुझ में साक्षीपना है ऐसा जाने, तभी अनेकांत स्वरूप वस्तु को पहचानता है। हर्ष शोक के समय उतना ही आत्मा को मान ले, किंतु उसी समय आत्मा में दूसरा अभोक्ता स्वभाव है उसे न पहचाने, तो उसने अनेकांत रूप वस्तु को नहीं जाना है। ये गलती करी उसने, एक भोक्ता अभोक्ता भोक्ता दोनों एक साथ नहीं माने तो अनेकांत स्वरूप आत्मा को नहीं जाना, किंतु उसे एकांत रूप माना है वह मिथ्यात्व है। और जो पर के कारण आत्मा में हर्ष शोक होना मानता है, अथवा आत्मा पर का उपभोग करता है ऐसा मानता है, तो महामिथ्यात्व है। दो बातें महामिथ्यात्व में, दो बातें ली, एक तो पर के कारण से मुझे हर्ष शोक होता है, यानी बाहर की अनुकूलता में हर्ष होता है, बाहर की अनुकूल प्रतिकूलता हो तो उसके कारण से मुझे शोक होता है, अथवा आत्मा पर का उपभोग करता है ऐसा कोई मानता है तो वो महान मिथ्यात्व है। दूसरा नंबर एक पॉइंट लेते जाओ अभी, शरीर के रोगादि के कारण आत्मा हर्ष शोक का उपभोग करता है। शरीर के रोगादि के कारण, मैंने रोग आ गया तो खेद होता है, रोग का अभाव हो गया तो आत्मा को हर्ष होता है ऐसा कोई मानता है करता है, ऐसा हो तो भोक्ता धर्म आत्मा का नहीं रहा किंतु पर का हो गया। वो तो फिर रोग का हो गया, भोक्ता धर्म आत्मा का कहां रहा, क्योंकि रोग के कारण अगर आत्मा हर्ष का और शोक का भोक्ता हो, रोग मिट गया तो शोक हर्ष हो गया, रोग आया तो पीड़ा हो गई शोक हो गया,
अगर ऐसा हो तो फिर ये भोक्ता धर्म आत्मा का नहीं हुआ, फिर किसका हुआ? वो रोग का हो गया, पर का हो गया। और हर्ष शोक के समय यदि आत्मा उतना ही हो तो वह अनेकांत रूप न रहा किंतु एकांत हर्ष शोक रूप ही हो गया। उतना ही माने खाली कि भाई इतना का इतना ही है, हर्ष शोक रूप ही उतना ही आत्मा है, उतना ही माने तो फिर अनेकांत रूप नहीं रहा वो, मतलब उसी समय अभोक्ता धर्म है वो नहीं रहा। इसलिए पर के कारण आत्मा को हर्ष शोक का उपभोग नहीं है और हर्ष शोक के उपभोग के समय उतना ही आत्मा नहीं है। आत्मा एक समय में अनंत धर्म का पिंड है और उसके आश्रय से साधक को हर्ष शोक के समय भी उस हर्ष शोक से रहित साक्षीपना वर्तता है। दोनों धर्म एक साथ उसको वर्तते हैं। देखो ये आत्मा की प्राप्ति का पंथ, आत्मा क्या वस्तु है उसे पहचाने बिना उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए आत्मा को पहचानने के लिए उसका वर्णन चल रहा है। भव भ्रमण से थका हुआ जिज्ञासु शिष्य, ये मूल बात यहां पे देखो, भव भ्रमण से थका हुआ जिज्ञासु शिष्य आत्मा को समझने के लिए श्री गुरु के पास आकर पूछता है, किसको? कौन? भव भ्रमण से थका हो, जिसको अभी भव भ्रमण से थकान नहीं लगी हो तो वो समोसरण में जाकर के भी कोरा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि थकान लगी नहीं तो समोसरण में जाकर के भी कोरा आएगा वो, और भव भ्रमण से थकान लगी हो है ना तो वो साधारण ज्ञानी धर्मात्मा मिल जाए कोई तो भी अपना काम कर लेगा। मूल बात है भव भ्रमण की थकान लगनी चाहिए लेकिन अभी लगी नहीं है। लगी हो जैसे रोग, अभी अपने को कोई कह दे, डॉक्टर कह दे कि तुमको ये रोग है और इस रोग में तुम्हें इतने दिन तक बिल्कुल बेड रेस्ट करना पड़ेगा और सीजन का टाइम हो अपना, तभी क्या होगा? अपना सीजन को गौण करेंगे कि रोग को गौण करेंगे? सीजन को गौण करेंगे, सीजन तो अगली बार भी आ जाएगा। अरे ये रोग नहीं रहा तो अगली बार हम नहीं रहेंगे, तो उसको गौण कर देते ना। तो अभी इतनी भी अपने को भव भ्रमण की थकान लगी हो तो विचार कर लेना अपने मन में कि लगी है क्या वास्तव में। खाली बातें करने से नहीं होता है, हमने आगे हमने साहब ठीक है अपन तो एक घंटा हमने स्वाध्याय कर लिया, हमने सुन लिया, हमने सुना दिया, कुछ नहीं होने वाला उससे। थकान लगी कि नहीं लगी प्रश्न ये कह रहे हैं गुरुदेव। भव भ्रमण से थका हुआ जिज्ञासु शिष्य, थका हुआ और थका हुआ तो हो लेकिन जिज्ञासा नहीं होगा, ठीक है अब जो है सो है, थका हुआ भी हो और मुझे ये भव भ्रमण की थकान मिटानी है, ऐसी अंदर में जिज्ञासा भी। बहुत से लोगों को रोग होता है लेकिन रोग में पीड़ा नहीं लगती उनको, तो क्या होता है कि रोग को इग्नोर करते कि नहीं करते? अरे ठीक है तो होते रहते, इतना बड़ा शरीर है तो छोटे मोटे रोग की कौन परवाह करे। तो रोग हो, रोग की पीड़ा हो और रोग को मिटाने की भावना हो तो डॉक्टर के पास जाएगा। इसी तरह थका हुआ चित्त और जिज्ञासा, दो बातें आई है। आत्मा को समझने के लिए श्री गुरु के पास आकर पूछता है कि प्रभो आत्मा के भान बिना अनंत अवतारों में भटक भटक कर मैं थक गया हूं। चार गति दुख से टरे तो तज सब पर भाव, योगिंद्र देव आचार्य कहते हैं कि चार गति दुख से अगर तू डरता है ना, भाव तो सामने खड़े हैं, आत्मा को नहीं समझा तो भाव तो ऐसे ऐसे भाव खड़े हैं कि अनंत काल में पता नहीं लगेगा कि आत्मा कहां था, मतलब खुद को भी आत्मा के स्वीकार की योग्यता नहीं बचेगी और जगत का कोई दूसरा जीव आत्मा है ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हम आत्मा हैं और आत्मा को स्वीकार करने की योग्यता है अपने में, क्षमता है ना, स्वीकार कर सकते हैं ना आत्मा के अस्तित्व का, और ऐसे अवसर में स्वीकार नहीं करें। कहते हैं भाई साहब भावना का भवन बनता है, यहां पे जैन दर्शन है, किसी की लियाज नहीं है, भगवान की लियाज नहीं है, है ना, भगवान को भी घूमना पड़ा कि नहीं? तो हे नाथ अब ऐसा उपाय बतलाइए कि जिससे आत्मा को समझ लूं और भव भ्रमण से मेरा छुटकारा हो। ठल में आ गया, आत्मा का यथार्थ स्वरूप मुझे समझाइए। श्री गुरु कहते कि हे भाई तू आत्मा का अर्थी होकर पूछने आया है,
देखो एक 153 नहीं 103 नंबर की गाथा है पंचासी काय की, तो वो पंचासी काय की गाथा 103 में अर्थता अर्थी होकर के जो आत्मा को समझने के लिए आया। और इन तीन गाथाओं पर गुरुदेव श्री के इतने मार्मिक प्रवचन हैं, इतने मार्मिक कि उसमें पहला और दूसरा प्रवचन, तीन प्रवचन है टोटल, तो पहला और दूसरा प्रवचन तो इतना मार्मिक है कि जैसे लगे झांकी खड़ी कर दी जैसे उन्होंने पूरी। कैसा जिज्ञासु होना चाहिए, कैसी उसकी अंतर पात्रता होनी चाहिए, और कैसी अंतर पात्रता हो तो वो उपदेश को ग्रहण करेगा। ये कोरा घड़ा होना चाहिए, कोरा घड़ा, तो कोरा घड़ा होता है तो क्या होता है कि जैसे ही पानी की बूंद गिरी एकदम क्या करता है उसको वो चूस लेता है। इसी तरह इतनी थकान भव भ्रमण से, ऐसी थकान कि जहां भव के अभाव की बात आवे तुरंत उसे चूस ले, इसका नाम जिज्ञासु, इसका नाम पात्र। समझा कि आत्मा की वास्तविक रुचि, तीव्रतम लगन, ये सम्यक दर्शन की एकमात्र पात्रता है। ऐसा तो आत्मा का स्वरूप समझाते, हम जो कुछ कहें वह शांत चित्त से धीर होकर सुन। कहा ना चलाला में नहीं है, ताही सुनो भवी मन थिर आन। क्यों सुने? कि जो चाहो अपनो कल्याण, हमारी थोड़ी गरज है, तुम्हें अपना कल्याण करना हो तो। ताही सुनो भवी मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, है ना। ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। गुरुओं ने, वीतरागी संतों ने तो अनंत अनंत अपार करुणा करके ये दुख को मिटाने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा दी है, शास्त्र लिख करके चले गए। अब तुझे यदि अपनी आत्मा का कल्याण करना हो तो ताई सुनो भवी मन थिर आन, मन को स्थिर करके उस शिक्षा को सुनो। समझ में आ गया? आत्मा के धर्मों द्वारा उसे पहचानने की यह बात है, आत्मा के धर्मों से उसे पहचान कर उसकी रुचि और एकाग्रता करना, यह आत्मा की आराधना का मार्ग है। बस आत्मा की रुचि और एकाग्रता, रुचि के बिना एकाग्रता नहीं होगी। हम क्या करना चाहते हैं? हम रुचि पलटना नहीं चाहते, उपयोग आत्मा में लगाना चाहते हैं। समझ में आ गया? रुचि पलटेंगे नहीं, और उपयोग किधर चाहिए? आत्मा में। तो होगा? कभी नहीं होगा। बहिश्री के वचनामत में 37 नंबर का बोल है, जो प्रथम रुचि को नहीं बदलता और उपयोग को पलटना चाहता है उसे मार्ग की विधि की क्रम की खबर नहीं है। मार्ग की यथार्थ विधि का क्रम यह है कि पहले रुचि पलटे तो उपयोग पलट ही जाता है। ऐसा वह आत्मा की आराधना का मार्ग है, और वही अनादिकालीन विराधक पने के नाश का उपाय है। अनादिकाल का विराधक पना एक क्षण में मिटता है। अनादिकाल के विराधक पने को मिटाने के लिए अनंत काल नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा? अनादिकाल का तो विराधक पना और अनंत काल मिटाने के लिए चाहिए, तो हो गया काम पूरा, है ना। जब जाग जाए तभी सवेरा, है ना। ऐसा जो जीव अभी साधक है, प्रमाण नय के द्वारा आत्मा की साधना करता है, ऐसे साधक को पर्याय में भोक्तृत्व अभोक्तृत्व इत्यादि अनंत धर्मों के आधार रूप चैतन्य वस्तु को पहचान कर जिसे प्रमाण ज्ञान हुआ, मतलब द्रव्य पर्याय स्वरूप संपूर्ण वस्तु का स्व संवेदन पूर्वक जिसको प्रमाण ज्ञान हुआ है, उसी को भोक्ता नए तथा अभोक्ता नए होते हैं। अज्ञानी को नए नहीं होते, और जो आत्मा की साधना करके केवल ज्ञान अर्थात परमात्मा दशा को प्राप्त कर गए हैं उनके भी नए नहीं होते। एक अपेक्षा से तो दोनों समान हो गए, मतलब है ना, है कि केवली के भी नए नहीं होते, अपने भी नए नहीं होते, तो चलो अपन इस अपेक्षा से तो केवली की बराबरी करी अपन ने, करी कि नहीं करी? नहीं करी हा? कि भाई साहब केवली की आराधना पूरी हो गई इसलिए उनके नए नहीं होते, नहीं, उन्हें नए की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि नए होते हैं जहां ज्ञान में परोक्षता हो, जहां ज्ञान में परोक्षता हो वहां नए होते हैं, जहां ज्ञान में संपूर्ण प्रत्यक्ष हो गया वहां नए की आवश्यकता ही नहीं रही। और अज्ञानी को नए क्यों नहीं होते? क्योंकि सम्यक शुद्ध ज्ञान ही नहीं है उसको, अज्ञानी के होते नहीं, केवली को आवश्यकता नहीं। आ गया? ऐसा हां, उन्हें
अब कुछ भी समझना शेष नहीं रहा। भगवान को क्या समझना शेष रहा अभी? वे तो हर्ष शोक का भोक्तृत्व तो दूर करके सर्वथा अभोक्ता अर्थात तो साक्षी स्वरूप ही हो गए हैं, पूर्ण केवल ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद का प्रतिक्षण उपभोग कर रहे हैं, और अज्ञानी एकांत भोक्ता पने में ही अटका है। देखो भोक्ता नए नहीं कह रहे हैं, भोक्ता पने में मैंने एकांत से राग द्वेष को ही भोगता है, उसको निर्मलता का अंश ही प्रकट नहीं हुआ। साधक को अंशतः अभोक्ता पना और अंशतः भोक्ता पना बना हुआ है, इसलिए वह प्रमाण पूर्वक के नयों द्वारा उनका उसका ज्ञान करता है और शुद्ध आत्मा को साधता है। साधता है, इसका नाम है साधक। साधना के मार्ग में जो आगे बढ़ रहा है उसका नाम है साधक। साध्य के जो प्रति समय निकट होता जा रहा है उसका नाम है साधक। ये नाम है। वह मात्र हर्ष शोक के वेदन की मुख्यता नहीं होने देता, किंतु परिपूर्ण चैतन्य वस्तु के सन्मुख होकर उसका साक्षी रहता है और उस हर्ष शोक के वेदन को टाल कर अभोक्तृत्व की वृद्धि करता जाता है। सैनिक राजा प्रसिद्ध उदाहरण है प्रथमान युग का। क्षायिक समय दृष्टि हैं, वे इस समय नरक में हैं, वहां उन्हें शोक का वेदन भी होता है, तथापि उसी समय अंतर में भान है कि मेरा ज्ञानानंद स्वभाव है। छाई समय दृष्टि है ना, है? और नरक में भी तीर्थंकर प्रकृति हर समय बन रही है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति एक ऐसी प्रकृति है, वो ध्रुव बंदी प्रकृति है। समझा गया? एक बार बंधना चालू होने के बाद उसका बंधन रुकता नहीं है। हर शोक का भोगता नहीं, ऐसा भान होने से शोक के समय भी आत्मा की अतीन्द्रिय शांति के अंश का वेदन भी साथ ही वर्तता है। ऐसी साधक की दशा, सारे साधकों की यही दशा है, चाहे वो सम्यक दृष्टि साधक हो, चाहे वो श्रावक साधक हो, और चाहे वो मुनिराज साधक हो, कोई भी हो। भोक्तापना उसी समय उसका साक्षीपना, ये दोनों यदि साथ ना हो तो क्या होगा कि या तो केवली होगा, दोनों नहीं होंगे तो या तो केवली होगा अथवा अज्ञानी होगा। अज्ञानी को एकांत राग का भोक्तापना है और केवली को एकांत वीतराग भाव का निर्मलता का भोक्तापना है। केवली भगवान को हर्ष शोक का भोक्तृत्व सर्वथा दूर होकर मात्र साक्षीपना ही रहा है। आ गया? अज्ञानी को मात्र हर्ष शोक का भोक्तृत्व वर्तता है, उसके साक्षीपना नहीं है। अज्ञानी के आत्मा में भी अभोक्ता रूप साक्षी स्वभाव तो है, साक्षी स्वभाव नहीं होवे, अज्ञानी के आत्मा का भी साक्षी स्वभाव नहीं होवे तो उस आत्मा का अनादर किया करके अज्ञानपना कैसे प्रकट करेगा वो? साक्षी स्वभाव है तभी तो उसका अज्ञान किया, उसने तो अज्ञानी हुआ वो। साक्षी स्वभाव, जैसे अज्ञानी का आत्मा भी परमात्मा स्वरूप तो है लेकिन परमात्मा पने का उसको परिणमन नहीं है, सम्य दर्शन ज्ञान चरित्र का परिणमन नहीं है, लेकिन परमात्मा स्वभाव नहीं चला गया कहीं ऐसा, किंतु अज्ञानी को उसकी खबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि होने से भी ज्यादा महत्व होने की खबर होने का है। होना वो तो अभव्य को भी है, अभव्य का स्वभाव भी परमात्मा स्वभाव है लेकिन उसको उस स्वभाव की खबर नहीं है ना ऐसा, इसलिए उसे पर्याय में साक्षीपने का परिणमन नहीं होता। साधक जीव को अभोक्ता स्वभाव का जानता हुआ हर्ष शोक के समय भी उसके साक्षी रूप से परिणमित होता है। इस प्रकार ये 41 नए की बात आई। अब आगे देखो कि आगे क्रिया नए और ज्ञान नए के प्रवचन है। ये देखो इसका बहुत जोरदार आगे जो क्रिया नए आ रहा है और ज्ञान नए आ रहा है, ये बहुत समझने जैसा प्रकरण है क्योंकि इस प्रकरण के पहले इन्होंने नोट लगवाया है। आगे क्रिया नए और ज्ञान नए के प्रवचन है। क्रिया नए और ज्ञान नए संबंधी पूज्य गुरुदेव श्री के ये प्रवचन जिज्ञासुओं को अत्यंत उपयोगी है। उनके साथ साथ पंचाष्टी काय गाथा 172 में कहे हुए
निश्चय व्यवहार का भी मुख्य स्पष्टीकरण किया गया है। ये बात ये प्रवचन के पहले कह रहे हैं, क्योंकि क्रिया नय और ज्ञान नय ये दोनों नयों के संबंध में कुछ लोगों द्वारा जानबूझ करके भ्रम फैलाया गया। तो देखो ये 42वां नय है क्रिया नय और 43वां नय है ज्ञान नय। विस्तार से है इसका प्रवचन, क्योंकि इस संबंध में भूल बहुत है जगत के जीवों की, तो जहां जहां भूल है वहां गुरुदेव ने स्पष्टीकरण बहुत किया है। तो ये देखो क्रिया नय का क्या स्वरूप है और ज्ञान नय का क्या स्वरूप है। क्रिया नय में कहते हैं कि आत्मद्रव्य क्रिया नय से अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि सधे, क्या कहा, अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि सधे ऐसा है। अब ये अनुष्ठान में क्या है देखना जरा इसका, कि खंबे से सिर फूट जाने पर एक एक नय का एक एक दृष्टांत दिया है। खंबे से सिर फूट जाने पर दृष्टि उत्पन्न होकर जिसे निधान प्राप्त हो जाए, ख्याल में आ गया, ऐसे अंध की भांति, ये क्रिया नय का दृष्टांत है। क्या कहा कि कोई अंधा आदमी था, तो अंधा आदमी था तो उसका सिर खंबे से टकराया, तो खंबे से सिर टकराया तो एक तो सिर फूट गया, एक बात। दूसरा क्या हुआ कि जो उसकी आंखों के आगे थोड़ा खराब रक्त जमा हुआ था वो हट गया खून बहने से, तो उसको दृष्टि उत्पन्न हो गई, मैंने सूझता हो गया, और वो खंबा पोला था तो वो टूटा तो उसमें रत्न हीरे जवाहरात पड़े थे, वो उसको खन खना करके मिलने लगे, तीन काम हो गए एक साथ, इसको बोलते क्रिया नय। आगे देखो, मैंने उसने इतनी मेहनत की, अपना सिर फोड़ा बिचारे ने हैं, और खंबे से सिर फोड़ा तब जाके उसको निधि मिली, है ना। और देखो अभी पहले इसको पढ़ता हूं फिर ज्ञान नय का भी देखता हूं एक में, फिर दोनों की तुलना लिखेंगे। क्रिया नय से आत्मा अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि हो ऐसा है, जैसे किसी अंध पुरुष को पत्थर के खंबे के साथ सिर फोड़ने से सिर से रक्त का विकार दूर होने से आंखें खुल जाए और निधान प्राप्त हो, उस प्रकार है ना। ये तो दृष्टांत दिया इसका, अब ज्ञान नय का देखना इसी में, फिर अपन प्रवचन लेंगे उसका। और ज्ञान नय में क्या है कि ज्ञान नय में आत्मद्रव्य ज्ञान नय से विवेक की प्रधानता से सिद्धि साधे। क्रिया नय में क्या दिखा कि सिर फूटना, तो क्रिया दिखी ना कुछ वो, और यहां पे क्या है ज्ञान नय में कि ज्ञान नय में विवेक की प्रधानता से सिद्धि साधे ऐसा है। कैसा कि मुट्ठी भर चने देकर, मुट्ठी भर चने देकर चिंतामणि रत्न खरीदने वाले, और वो भी कहां बैठा हुआ, कहीं खरीदने गया नहीं, घर के कोने में बैठे हुए व्यापारी की भांति। माने यहां पर उसकी आपको कोई क्रिया दिखाई नहीं दे रही, घर में बैठा है मुट्ठी भर चने दिए और चिंतामणि रत्न प्राप्त कर लिया, इसका मतलब क्या, वहां बुद्धि की प्रधानता दिखाई दे रही है, और सिर फूटने में खंबे से टकराया तो वहां क्रिया की प्रधानता दिखाई दे रही है। और ध्यान देना, एक ही आत्मा में ये दोनों धर्म एक साथ है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुक्ति की प्राप्ति किसी को क्रिया से होती है और किसी को ज्ञान से होती है, ऐसा नहीं है। मुक्ति की प्राप्ति के कथन दो प्रकार से हैं, ज्ञान की मुख्यता से जब कथन करेंगे ज्ञान नय से, तो ज्ञान की प्रधानता से माने विवेक से मुक्ति प्राप्त होती है, और जब क्रिया नय की प्रधानता से कथन करेंगे तो क्रिया से मुक्ति प्राप्त होती है। इस तरह ज्ञान क्रिया भ्याम मोक्ष, ये सूत्र है कि ये है। देखो ज्ञान नय से आत्मा की, आत्मा को विवेक की प्रधानता से सिद्धि होती है, जैसे घर के कोने में बैठा हुआ व्यापारी मुट्ठी भर चना देकर, चना भी कितना दिया मुट्ठी भर, भले आदमी ने एक किलो भी नहीं दिया, चना देकर, और रत्न कौन सा प्राप्त किया, चिंतामणि, वो भी चिंतामणि रत्न खरीद लेता है, उसी प्रकार बराबर। अब देखो अपने अभी क्रिया नय पे अपन चर्चा करेंगे, दो नयों का तुलनात्मक ध्यान में रखना जरा। अब देखो ये पहला पैरा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, उसी का रिपीटेशन है। यहां क्रिया नय से अनुष्ठान की प्रधानता कही है, और अब 43वें ज्ञान नय में
विवेक की प्रधानता रहेगी, है ना। तो ऐसा ना किसी को क्रिया से किसी को विवेक से, ऐसा नहीं है, है ना। एक ही कार्य का दो तरह से कथन किया जाता है, विवेक की प्रधानता से भी मुक्ति का कथन होगा और क्रिया की प्रधानता से भी मुक्ति का कथन होगा। जब क्रिया की प्रधानता से कथन किया जाएगा तो कहेंगे क्रिया से मुक्ति हुई, और जब ज्ञान विवेक की प्रधानता से कथन किया जाएगा, कथन में ये दो भेद पड़े हैं, मुक्ति दो तरह से नहीं हुई है ऐसा। देखो आचार्य देव ने इस 42वें और 43वें नए में प्रधानता शब्द का उपयोग किया है। क्या क्या शब्द का प्रयोग किया? प्रधानता शब्द का उपयोग किया है। वह ऐसा प्रकट करता है कि गौण रूप से दूसरा भी वर्तता है। माने जिस समय हम क्रिया की मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं उस समय तुम गौण रूप से वहां ज्ञान की बात भी रखना, समझना। और जब हम ज्ञान की मुख्यता से विवेक की मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं वहां तुम क्रिया की बात भी गौण रूप से उसमें समझ लेना। वर्तता है यहां 42वें क्रिया नय में अनुष्ठान की प्रधान अनुष्ठान की। अब अनुष्ठान में क्या लेना जरा ये समझना, ये इसलिए ये अर्थ बहुत खतरनाक अर्थ है, इसलिए गुरुदेव ने बहुत ज्यादा कम से कम 12-13 पेज में स्पष्टीकरण किया इसका। क्यों? कि अनुष्ठान में अनुष्ठान की अर्थात तो शुभ की प्रधानता कही है, शुद्ध की नहीं। और 13वें में शुद्ध की प्रधानता कहेंगे, शुभ की प्रधानता, तभी तो सिर फूटा ना उसका विचारेगा राग है तो सिर फूटेगा कि नहीं फूटेगा। तो शुभ की प्रधानता कही है। वह ऐसा प्रकट करता है कि उसी समय सम्यक ज्ञान का विवेक भी वर्तता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब साधक जीव मुक्ति को प्राप्त करता है तो साधक दशा में उसकी भूमिका में अनिवार्य रूप से जो आने योग्य भाव है ऐसा शुभ भाव आए बिना रहता नहीं है, है ना। कोई उसका निषेध करने की बात करे कि नहीं होता ही नहीं, निषेध करने का मतलब क्या, अमुक प्रकार का शुभ भाव ज्ञानी को होता ही नहीं, तो कहते हैं कि वो गलत है, ऐसा शुभ भाव होता है। और कोई उसी से मुक्ति मानने की बात करे तो फिर ज्ञान नय को सामने रखा, और कोई उस राग का निषेध ही कर दे सर्वथा, होता ही नहीं, मुनिराज को 28 मूल गुण का विकल्प होता ही नहीं, कहते भूल में हो, और वो विकल्प होता है इसलिए वो कुछ मददगार है, कहते भूल में हो, आ गया। होता भी है तो होता है तो उससे सिद्धि सद्धति है। उससे सिद्धि सद्धति का मतलब क्या, वहां पे कि उस काल में उस राग के काल में वास्तव में सिद्धि का कारण तो जो अंतरंग शुद्धि है, मुनिराज है, श्रावक है, कोई भी है, तो वो राग के काल में जो अंतरंग शुद्धि है ना, तो वो अंतरंग शुद्धि अगली भूमिका की शुद्धि का कारण है, आ गया। लेकिन उस शुद्धि के साथ में उस भूमिका के योग्य अनिवार्य रूप से जो राग पाया जाता है शुभ भाव, खासतौर से अशुभ की बात नहीं है, क्यों, क्योंकि मोक्ष मार्ग में अशुभ पर निमित्त पने का आरोप नहीं आता, तो उस शुभ राग पर अंतरंग में वर्तने वाली शुद्धि का आरोप किया, और जो शुद्धि वास्तव में मोक्ष का कारण थी या सिद्धि का कारण थी उस शुद्धि का आरोप इस शुभ पर करके शुभ को मोक्ष का कारण या शुद्धि का कारण कहना या सिद्धि का कारण कहना यह उपचार का कथन है। अब इतना नहीं समझे तो फिर कहा क्यों, ऐसा खतरा क्यों मोल लिया आचार्य देव ने कि उसका आरोप करके कहना पड़ा, वो डायरेक्ट वो मोक्ष का मार्ग नहीं है, बंद मार्ग में मोक्ष मार्ग का उपचार करके बंद मार्ग को मोक्ष मार्ग कहना, कि ऐसा खतरा क्यों मोल लिया आचार्य देव ने, इसलिए लिया कि हमको तुमको भूमिका का यथार्थ ज्ञान कराना है। आ गया, बनारसी दास जी थे ना, तो समय सार पढ़ा उन्होंने सबसे पहले कलश टीका, कलश टीका राजमल जी की, पहले तो राजमल जी की देखो, समय सार के कलश ही बहुत क्रीम है वैसे तो देखा जाए तो, क्योंकि गाथाओं का कस लेकर के कलश लिखे आचार्य देव ने, तो वो कलश ही बहुत गंभीर है, और उसमें फिर राजमल जी की टीका तो और गजब की है। अब पंडित बनारसी दास जी थे तो वो तो पहले श्रृंगारी कवि थे, है ना, श्रृंगार रस की कविताएं बनाते थे वो, और मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती
कि उन्होंने बढ़िया किया कि समय सार नाटक बनाने के साथ ही जब उनको अध्यात्म का ज्ञान हुआ तो उन्होंने वो श्रृंगार रस की कविताएं गोमती नदी में खुद बहा दी। अगर नहीं बहाते, ध्यान से सुनना, बहुत बहुत खतरनाक बात है कि अगर वो उसको नहीं बहाते और कदाचित उनकी श्रृंगार रस की कविताओं की वो पुस्तक अगर रह जाती तो ये तो पक्का है कि हिंदी साहित्य में उसको सर्वश्रेष्ठ कृति का सम्मान मिलता। किसकी किसकी किस साहित्य में? हिंदी साहित्य में। हिंदी जैसे आज पंडित बनारसी दास जी का अर्ध कथानक, उनके 55 वर्ष की जीवन कथा, वो हिंदी साहित्य का पहला आत्मकथा है, पहली आत्मकथा। तो हो सकता है कि उनके उस श्रृंगार की पुस्तक को हिंदी साहित्य में तो पहला स्थान मिलता, लेकिन अगर वो किताब जीवित होती तो हमें उनके समय सार नाटक को छुपाना पड़ता। ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती है। क्यों? कि हम समय सार नाटक लाके रखते ना, लोग कहते तुम्हारे ये पंडित जी तो ऐसे थे, श्रृंगार रस की देखो कैसी कैसी कविताएं लिखी इनने, वो बढ़िया रहा तो उन्होंने खुद उसको गोमती में बहा दिया, है ना। तो वो पंडित जी ने जब वो समय सार नाटक पढ़ा, अब वो समय सार कलष्टिका पढ़ी, तो पढ़ने के बाद वो भूमिका का ज्ञान तो था नहीं, गुणस्थान की परिपाटी में किस भूमिका में कैसा विकल्प होता है वो तो था नहीं, एकदम दृष्टि निश्चयाभास जैसी हो गई, और निश्चयाभास जैसी हो गई और बहुत स्वच्छंदता में चढ़ गए। फिर एक रूपचंद जी पांडे करके एक पंडित जी थे, उन्होंने उनको गोमट सार पढ़ाया, और गोमट सार पढ़ाने के बाद उनको ये कहा कि भाई समय सार में जो लिखा हो बराबर है, लेकिन किस भूमिका में किस प्रकार की दशा होती है उस दशा का अगर तुम्हें विवेक नहीं है तो तुम निश्चयाभासी हो जाओगे, निश्चय के आभासी नहीं होगे, निश्चयाभासी हो जाओगे, निश्चय के अभ्यासी नहीं होगे। और जब उन्होंने वो पढ़ा तो उनकी दृष्टि एकदम गुलाट खाई, और गुलाट खाने के बाद आपने देखा होगा कि समय सार नाटक को जब उन्होंने पूरा कर दिया तो पूरा करने के बाद, मैंने 278 कलशों का अनुवाद उनका पूरा हो गया, उसके बाद उन्होंने चतुर्दश गुणस्थान अधिकार समय सार नाटक में लिखा है। एक अधिकार है, देख लेना, नाटक समय सार में क्यों लिखा, क्यों लिखा उन्होंने, इसलिए लिखा, उन्होंने कहा कि यद्यपि ग्रंथ तो पूरा हो गया लेकिन यदि इसमें गुणस्थान का अधिकार भी लिख दिया जाए तो ये सोने में सुगंध हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पंडित जी जानते थे कि मैं जो गलती मुझसे हुई ये गलती कोई दूसरा भी कर सकता है, गलत समझ करके, समय सार के मर्म को नहीं समझ करके, इसलिए उन्होंने समय सार नाटक में चतुर्दश गुणस्थान अधिकार लिखा। देखो कभी कभी अपने को लगता है ना, कहते जो आचार्य शुभ अशुभ में अंतर मानने वाले को घोर अपार संसार में परिभ्रमण करने वाला कहते हैं, वे ही आचार्य शुभ की अनुष्ठान, मैंने शुभ राग अनुष्ठान, मैंने शुभ को लिया कि उससे सिद्धि की सिद्धि सदती है, ये कैसे कह सकते हैं? कि ये वो ये नहीं कहना चाह रहे, लेकिन उसके पीछे उनके कहने का चरितार्थ क्या है, उनका भावार्थ क्या है, उनका अभिप्राय क्या है, ये बात वो क्यों लाए, कि जब तक ये बात हमारे ख्याल में नहीं आएगी तब तक या तो हम आचार्य भगवान के अभिप्राय को नहीं पकड़ करके, उनके शब्दों को पकड़ करके शुभ भाव को ही मोक्ष मार्ग मान लेंगे, एक बात, या भूमिका में वर्तने वाले शुभ भाव का भी निषेध करेंगे। तो ध्यान देना कि भूमिका में वर्तने वाले शुभ भाव का निषेध करने में मात्र शुभ भाव का ही निषेध नहीं होता बल्कि उस अंतरंग भूमिका का भी निषेध होता है। क्यों क्यों होता है? क्योंकि वो शुभ भाव तो उस भूमिका के साथ गूंथा हुआ है। समय दृष्टि चाहे कि मैं ऐसा शुभ भाव नहीं आने दूंगा मेरी भूमिका में, लगा ले जितना दम है उसमें, मुनिराज चाहे या तो श्रेणी आरोहण कर जाएंगे, और अगर श्रेणी आरोहण नहीं किया तो मुनिराज भी चाहें तो उनकी भूमिका में उस जाति का शुभ राग न आवे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, आएगा, है ना।
तो आएगा इसका ज्ञान कराने के लिए। अंतरंग शुद्धि वास्तव में अगली शुद्धि का कारण होने पर भी उस शुद्धि का आरोप शुभ भाव पर करके शुभ अनुष्ठान से सिद्धि सदती है, ऐसा आचार्य देव ने कथन किया है। ये समझना पड़ेगा, इतना उसके पीछे रहस्य है। अब ये तो समझते नहीं लोग, देखो लिखा ही नहीं लिखा, अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा। अरे जो अमृतचंद्र आचार्य शुभ अशुभ में अंतर मानने वालों को घोर संसार में परिभ्रमण करने वाला कह चुके, वे आचार्य अमृतचंद्र शुभ भाव से मोक्ष का कारण मनवाएंगे? साफ साफ तो लिखा है, कहां लिखा तो है, क्या लिखा है कि पिताजी लिख करके गए, क्या लिख करके गए कि हमारे चैत्र शुक्ल दशमी के दिन मंदिर के शिखर के ध्वजा के नीचे 5 करोड़ रुपए की स्वर्ण मुद्राएं गाड़ी हैं, कोई आपत्ति आ जावे तो परिवार जन उसे निकालकर अपना काम चलावे। हुआ क्या था कि वो मंदिर उन्हीं का था और मंदिर के पीछे ही उनका घर था। अब वो लड़के ने देखा तो वो लड़का क्या करा कि लड़का वो मंदिर के शिखर को खुदाने लगा। तो उन्होंने कहा क्या करते हो, हमारे पिताजी ने इसमें करोड़ों रुपए की संपदा डाली, मंदिर दिया है, कोई संपत्ति थोड़ी दी है। तो क्या लिखा है पिताजी ने, तो समझदार को दिखाया, उन्होंने कहा मूर्ख इसमें लिखा है बैसाख शुक्ल दशमी, तो अगर इस शिखर में यह धन गाड़ा होता तो बैसाख शुक्ल दशमी लिखने का क्या मतलब था, फिर तो कभी भी खोदो ना तुम। कि इसका मतलब यह है कि बैसाख शुक्ल दशमी को दिन के 10 बजे इस शिखर की ध्वजा का जहां छाया पड़ती है वहां खोदने पर धन मिलेगा। तो अभी बेटा तू 1 महीने 1.5 महीने इंतजार कर जब तक बैसाख शुक्ल दशमी नहीं आ जावे, और जब बैसाख शुक्ल दशमी को उसने खोदा तो निश्चित समय पर खोदा तो उस जगह उसे धन मिल गया। आ गया, तो शास्त्र में तो लिखा है लेकिन उसका वाच्य क्या है वो जब तक हम नहीं समझेंगे नहीं पकड़ेंगे तब तक गड़बड़ खड़ी करेंगे। ये देखो यहां पे कहते हैं, देखो अनुष्ठान अर्थात शुभ की प्रधानता कही है, वह ऐसा प्रकट करता है कि उसी समय सम्यक ज्ञान का विवेक भी वर्तता है। शुभ राग की प्रधानता से सिद्धि की साधना होती है, ऐसा क्रिया नय से कहा। आ गया, उस समय गौण रूप से शुद्धता है, उसका ज्ञान साथ ही हो तभी क्रिया नय सच्चा कहलाता है। मतलब शुद्धि को उड़ाकर, अंतरंग वितराग परिणति को उड़ाकर, अकेले शुभ राग की क्रिया से तू साधना चाहे मार्ग को नहीं सदेगा, क्रिया नहीं तेरा सच्चा नहीं है। शास्त्र में कहीं व्यवहार की प्रधानता का कथन आवे वहां अज्ञानी जीव उसका ऐसा विपरीत अर्थ करते हैं कि व्यवहार अर्थात शुभ राग करते करते उसके आश्रय से परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। हो गया कि नहीं हो गया, तो ये कर देखो, देखो होना अलग चीज है और उससे प्राप्ति हो जाएगी। ना तो ज्ञानी ऐसा मानते हैं और ना ज्ञानी ऐसा कभी कहते हैं, मानते भी नहीं और कहते भी नहीं, है ना। किंतु शास्त्र का ऐसा आशय नहीं है। आशंका 85 काय की 172वीं गाथा में तो ऐसा कहा है कि भिन्न साध्य साधन रूप व्यवहार को न माने तो मिथ्या दृष्टि है। इसका क्या अर्थ है, भिन्न साध्य साधन क्या है? देखो ये बहुत समझने जैसा प्रकरण है कि साध्य है शुद्धता, भिन्न साध्य साधन क्या और अभिन्न साध्य साधन क्या, ये चर्चा 85 काय में बहुत आई है और अमृतचंद्र आचार्य की टीका में आई है, और इसी का अर्थ गलत करके लोग वो बात करते हैं कि देखो ये सोनगढ़ वाले इस चीज को नहीं मानते, यहां तो आचार्य ने लिखा। लेकिन उसकी 2 गाथा पहले जो आचार्य शुभ राग को अंगारा लिख चुके, उसके 2 गाथा पहले 170 नंबर की गाथा में शुभ राग को अंगारा लिख चुके हैं, तो फिर अगली 2 गाथा बाद ही साधन कैसे कह देंगे वो।
तो फिर भिन्न साधन साध्य और अभिन्न साधन साध्य का मतलब क्या है? अभिन्न साधन साध्य मतलब यह है कि अपूर्ण शुद्धता साधन है और पूर्ण शुद्धता साध्य है। क्या कहा? अपूर्ण शुद्धता साधन और पूर्ण शुद्धता साध्य। अथवा यूं कहो कि छठे गुणस्थान की शुद्धता, मुनिराज की अपेक्षा बात लें अपन, छठे गुणस्थान की शुद्ध परिणति साधन और सातवें गुणस्थान का शुद्ध उपयोग साध्य। सातवें गुणस्थान का शुद्ध उपयोग साधन, आठवें गुणस्थान का शुद्ध उपयोग मैंने श्रेणी साध्य, आठवें गुणस्थान का शुद्ध उपयोग साधन, नौवें गुणस्थान का शुद्ध उपयोग साध्य। बराबर। तो ये साधन और साध्य की जाति एक हुई। क्या कहा? साधन और साध्य की जाति एक हुई। तो एक जाति होने की अपेक्षा से कहा अभिन्न साधन साध्य। ठीक है। अब शुद्ध, शुद्ध का साधन शुद्ध है। अब उस शुद्ध को समझावे कैसे? तो शुद्ध को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जिस शुद्ध परिणति के साथ नियम से भूमिका के अनुसार अनिवार्य रूप से जिस प्रकार का राग संभव है, अर्थात जिस राग का विकल्प तोड़कर मुनिराज शुद्धोपयोग में जाते हैं, सम्य दृष्टि शुद्धोपयोग में जाते हैं, श्रावक शुद्धोपयोग में जाते हैं, तो जिस राग का विकल्प तोड़ करके वो शुद्धोपयोग में गए, तो उस शुद्धि के साथ में वर्तने वाले उस राग को शुद्धोपयोग का अभाव रूप साधन कहकर, अभाव रूप साधन माने उस राग का विकल्प तोड़कर। क्यों? क्योंकि शुद्धोपयोग में जाएंगे तो उसके पूर्ववर्ती राग कभी भी अशुभ नहीं होगा। अगर अशुभ राग से सीधा शुद्धोपयोग में छलांग लगा जाए ऐसा कभी नहीं होगा, और शुद्धोपयोग से बाहर निकले गिरे तो एकदम अशुभ में आ जावे ऐसा कभी नहीं होता। तो जिस शुभोपयोग से अंतरंग में उसने छलांग लगाई तो वास्तव में तो उस शुभ राग का अभाव हुआ, उस विकल्प का अभाव हुआ, उसका अभाव करके मैंने वो अभाव रूप कारण है कि सद्भाव रूप कारण है? हैं? अभाव रूप कारण है ना। तो उस अभाव रूप कारण तो वो चूंकि अलग जाति का है, वो राग जाति का है, तो वो राग जाति और ये शुद्ध परिणति वीतराग जाति, इन दोनों की जाति को भिन्न कहकर, भिन्न गिनकर इनको कहा भिन्न साधन साध्य। अब इतना मर्म तो कोई समझेगा नहीं, और लिखो, लिखा ही नहीं, लिखा लिखो लेकिन, अरे लिखा तो बहुत है लेकिन लिखने का मतलब तो समझना पड़ेगा ना। आया तो उतना लंबा लंबा कथन नहीं करेंगे शास्त्र में कि वो उस भूमिका में पाया जाने वाला, इतना लंबा लंबा कथन नहीं करके शास्त्र में कह देंगे ये शुभ राग। शुभ राग का मतलब इसका अभाव वास्तव में वो साधन है, और अगली भूमिका की शुद्धि अथवा शुद्धोपयोग वो साध्य, ऐसा ऐसा लेना वहां पर आ गया। तो वो यहां पे कह रहे कि पंचासी काय की, हाँ हाँ, उसमें दो दो चीजें हैं। तो उसकी भूमिका में जो राग वर्त रहा है उस राग में तारतम्यता रूप से मंदता आती है। क्या कहा? तारतम्यता रूप से, भले हाँ कृष्ण लेश्या के परिणाम है ना, तो तारतम्य रूप से मंदता आएगी। अरे कृष्ण लेश्या के रहेंगे लेकिन तारतम्य रूप से मंदता आएगी, ऐसा है। ये पंचलब्धि के प्रकरण में सब प्रकरण आते हैं। कभी पंचलब्धि में तो फिर वो करण करण लब्धि वगैरह कैसे हो जाएगी उसको, तो कृष्ण लेश्या के परिणाम चल रहे हैं तो वहां तारतम्य रूप से उसमें मंदता आ जाती है कि जिसमें वो करण लब्धि का काम हो जाता है उसका। रहेंगे तो उस भूमि का, सातवें नरक का नारकी तो कृष्ण लेश्या के अलावा कोई हो ही नहीं सकती, कृष्ण लेश्य होगी ना, लेकिन उसमें तारतम्यता रूप से मंदता आ जाएगी, कुछ कुछ कहना दिखता हो जाएगी उसमें, तो हीनता आ जाएगी, बस वो हीनता आ जाएगी उतनी मंदता है उसकी, उतनी मंदता को गिन करके उसको कारण कह दिया जाएगा। ये नियम है, आ गया ना समझ में? ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? पहले भिन्न साधन साध्य किसे कहते हैं
और अभिन्न साधन साध्य किसे कहते हैं, ये प्रश्न समझ में आएगा ना, क्योंकि इस प्रश्न में ही बहुत बड़ा घोटाला है। प्रश्न समझ में नहीं आए तो उत्तर समझ में नहीं आ सकता इसका, है ना। ये है भिन्न साधन साध्य की शेष चर्चा कल करते हैं इसके ऊपर।